देखा था कि बच्चों को किस तरह से सचिन ने कुछ नशीला पदार्थ या नशीला इंजेक्शन की, कोई वीडियो के माध्यम से मेरे पास बात आ रही है और मुझे लगता है कि शायद ये जो सचिन है ये सारी हदें पार कर रहा है। ठीक है, वो बच्चे हैं गुलाम हैदर के बच्चे हैं और गुलाम हैदर का जो मामला है चार बच्चों का, ये हम और हमारा भारत और हमारा कानून और हमारे मोमिन मलिक जी जो गुलाम हैदर के वकील हैं बहुत ही गहराई से इसको देख रहे हैं। अगर बच्चों के साथ इस तरह का अगर कोई भी केस पाया जाता है तो इसमें बच्चों का जो मेडिकल होगा, जब जैसे ही गुलाम हैदर आते हैं या उन बच्चों की काउंसलिंग जो होगी और बच्चों का जो मेडिकल होगा, मेडिकल में अगर इस तरह की कोई पाया गया तो मैं कहता हूँ उनको सचिन को, सीमा हैदर को, पूरे खानदान को कम से कम 10 साल की सजा और होगी। अगर कोई नशीला पदार्थ बच्चों के शरीर में पाया जाता है, ठीक है, अंडर बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी दुनिया में कोई नशीला पदार्थ खिलाना या नशीला पदार्थ देना या कोई इंजेक्शन देना ये बहुत ही बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें कानून बहुत सख्त है, पूरी दुनिया का सख्त है। एक बच्चों के साथ इस तरह की घटना करना या इस बच्चों को इस तरह से इंजेक्शन देना या इस बच्चों का के भविष्य से खिलवाड़ करना, आज बच्चे कहाँ, वो मैं अक्सर वहां पर बात आती है, बच्चे सारा दिन धूप में खेलते रहते हैं, कोई उनका देख रेख नहीं जी। हम कहेंगे हमारा भारत बहुत सुप्रिय है मैडम पत्रकार साहिबा, हमारा जो देश है बच्चों का बहुत ख्याल रखने वाला देश है, हमारे देश की माताएं बहनें, हमारा जो उनके परिवार होता है, दादा दादी होते हैं, परिवार होता है वो सब क्यों, एक तो उसके वो सगे दादा दादी नहीं है, एक उसका सगा बाप नहीं है और मुझे लगता है इसकी माँ जो है ये बच्चों को प्यार ही नहीं करती जी। ठीक है जी, देखिए आप मैं पत्रकार जी, ये जो बच्चों का जो मामला है ना, मैंने कोई खबर मेरी कल भी बात थी, कभी देखा कि बच्चे गली में खेल रहे हैं, अरे वो आस पड़ोस के भी कहते हैं कुछ बातें हैं, कई बार फोन आता है कि आप बच्चे गली में खेलते रहते हैं, धूप है, गर्मी है, कुछ कोई हादसा हो जाए, ये सचिन के बच्चे हैं क्या वो, अरे सचिन के बच्चे होते, अपने सगे बच्चे होते तो इस तरह की कोई हरकत नहीं होती, हो सकता है इंजेक्शन देता हूं, मैं तो कहता हूं देता होगा जी, बिल्कुल देता होगा, कोई ना कोई नशा पदार्थ बच्चों को जरूर देता होगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है। अगर बच्चों के मेडिकल में अगर इस तरह की कोई भी नशीला पदार्थ पाया जाएगा तो मैं कहता हूँ हमारे भारत की जनता, हमारा कानून, हमारा संविधान, ठीक है जी, हमारी भारत सरकार और मैं कहूँगा बहुत सख्त कदम उठाएंगे, क्योंकि मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल में सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कि पहले तो मीडिया वालों ने बात उठाई है, देखो जो भी बात अगर मीडिया दिखाती है, सच्चाई दिखाती है तो हर बात सच निकल रही है, कभी कह रहे हैं भाई उसको मारा नहीं गया, मैं कहता हूँ मारा गया, मेरे पास सबूत है, बच्चों को उसको सीमा हैदर को भी मारा गया है, ठीक है, उसके हाथ पे चोट लगी है, सबको सारी दुनिया के सामने वीडियो आ रही है और वो मना कर रही है कि मुझे नहीं मारा गया, ठीक है, झूठी है, सबको पता होते हुए, ठीक है ना, मैं कहता हूँ मारा गया और हर रोज मारता है, ठीक है, अच्छा पिटे, मैं कहता हूँ पिटे, हर रोज पिटे, ऐसी महिला के साथ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मैं कहता हूँ सचिन रोज मार उसको, मार जितना मारना, बहुत अच्छी बात है, मारता है और पिटती है और फिर मीडिया के सामने उसको ड्रोन दिखा रही है, तो मैं ये कहूँगा जो मीडिया दिखा रहा, मीडिया के माध्यम से इतनी इतनी आशा मारे, इतनी अच्छी वीडियो भेजी, उसके सारे टैप भेजे हैं, ठीक है, सत्य है सारी बातें, और ये भी बात सत्य हो सकती है कि बच्चों को वो इंजेक्शन दे रहा है, बच्चों को नकली कुछ नशीला पदार्थ दे रहा है, तो मैं वहाँ के बिल्कुल प्रशासन को भी कहूँगा, मैं पूरे प्रशासन को कहूँगा वहाँ के कि इस कारण इस पर जरा बहुत गौर करें, मैं कोई ये सबूत के तौर पर नहीं कह सकता, अगर ये बात आई है तो ये सत्य भी हो सकती है, प्रशासन है, छोटे बच्चे हैं, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, सीमा हैदर का कोई तलाक नहीं है उससे, आज वो गुलाम हैदर के ही बच्चे हैं, हमेशा उसी के बच्चे रहेंगे और उसी को मिलेंगे। ईद पे मैं देख रहा था, बहुत एक दुख भरी बात है और मुझे बड़ा दुख हुआ था कि गुलाम हैदर अपनी एक वीडियो बना के डाल रहा है कि दिखा रहा है, ठीक है, कि भाई मेरे बच्चे हैं, गाड़ी में बैठा है, रो रहा है, दुखी है, परेशान है, ईद है, त्यौहार है, सबका है, ठीक है जी, अब मैं देखिए तो वो बकायदा क्या आज कहता है, कह रहा है कि बच्चे मेरी आज गोद में होते तो मैं आज उनको ईदी देता, मैं आज उनको, देखो बड़ी एक भावुक वीडियो बनाई और मैं कहूँगा कि गुलाम हैदर, मैं कहता हूँ अगली ईदी आपके बच्चे आपकी गोद में ईदी मनाएंगे जी, अगली ईदी आपके बच्चे गुलाम हैदर आपके बच्चे अगली ईदी आपके गोद में मनाएंगे, और ये सूर्य वर्मा का वादा है, और इस वीडियो को आज देख लेना, उस वक्त देना, अगर ये चारों बच्चे अपने आपके चारों बच्चे अगर आपकी गोद में ना हो, और सीमा हैदर जेल ना हो, सचिन जेल ना हो, नेत्रपाल जेल ना हो, एपी सिंह जैसे लोगों के भांडे फूटे हैं, देश है हमारा, कोई गुड़गुड़ी का खेल नहीं है, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई आवाज नहीं उठा पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब बैठे कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ होगा, सूर्य वर्मा ने आवाज उठाई, सब कुछ होगा, बाकायदा जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होने वाली, 18 तारीख से पहले मोमिन मलिक जी ने बाकायदा बयान दिया है, उन्होंने बयान दिया 18 तारीख से पहले पहले इनके बच्चों की जो याचिका डलेगी, वकालतनामा इनके नाम है और कोर्ट में केस जाएगा, और ये बाकायदा बुला लो, क्यों बुलाया, इसलिए बुलाया, बच्चों का मामला है, उसके बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग होनी है, उनका मेडिकल होगा, और जिस तरह की नशीले पदार्थ की बात आई है तो मेडिकल में सब सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्चों का जो कुछ खबरें आ रही हैं कि सारा दिन धूप में रहते हैं, बच्चों को खाने का टाइम नहीं मिल रहा, आज मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो बड़ा लड़का राज वो बनियान बनियान में घूम रहा है, अरे क्या जिंदगी, अरे सचिन क्या है सचिन में, वो मिथिलेश पार्टी वाली बात आ गई, अरे क्या है सचिन में, क्या दिखा रहा हो, शादी दिखा रही, शादी कर ली, अरे एक पति के होते तू शादी कर रही है, ठीक है, समाज कुछ नहीं कर सकता हमारा, मैं कहता हूँ नहीं कर सकता ऐसे मामले, समाज कुछ नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ भारत हमारा कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ देख रहा है, एक गलत महिला ने चार बच्चे पाकिस्तान से भारत में लेके आ गई और कुछ नहीं हो रहा, कानून नहीं कर रहा, इलीगल रास्ता
कुछ नहीं हो रहा, सूर्य वर्मा आवाज उठा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, होगा अब होगा, तो सूर्य वर्मा ने आवाज उठा रहा है और लोगों ने बात सुनी और उठ रही है। आज लोगों उसके 13 लाख सब्सक्राइबर थे, आज उसके चैनल को 90% लोगों ने, 90% लोगों ने उसको इनकार कर दिया मेरी बात से, ये सच्चाई बता रहा हूँ। 70-80 हजार सब्सक्राइबर आते थे, व्यू आते थे, आज कहा 2000, 1500, 1800, 2000 कोई कमेंट नहीं, 8 से 20 कमेंट आते हैं, टूटे हैं लोग उससे, बात को समझा, देश की बात में हमारी माता बहने हमारी बहन बेटियों ने समझा इस बात को कि ये गलत महिला है, गलत तरीके से, ये गलत इसका आचरण गलत है, ऐसी महिला ना कभी किसी की है ना कभी होगी, और मैं कहता हूँ ऐसी महिला का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। मैं अपनी भारत की बहन बेटियों को जरूर कहूंगा ऐसी महिला के साथ, आपको जो इससे जुड़ी आपको एक ही भी बात मिलेगी, इस कमेंट में बता रहा एक भी बात उसकी अच्छी लगी आप लोगों ने, एक बात बता देना, सिर्फ एक एक बताना, जुड़ने वाले बहुत जुड़े हैं, बहुत गालियां देते कुछ भी लिख देते, लेकिन एक बात बताना कि इसको एक 4 बच्चों की माँ अगर इस तरह से शादी हो सकती है क्या पति होते हुए, आप भारत की नारी हो, पतिवर्ता नारियां होती है हमारे भारत की, एक भी नारी है बताए कि 4-4 बच्चे हो जाए और अपना पति है और वो पति दूसरे उसका पति है और दूसरे मर्द की गोद में जाके रंगरलिया बनाए, क्या पति देख लेना क्या दुख होता है मर्द को, यहां से फटता सीना जब अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखता है। ये वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ और ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं नहीं होता रोता है उसकी, जो रोना रोता है तो उसकी आवाज उसको उसके रोना नहीं होता, वो दिखा नहीं सकता। मैं पिता के साथ हूँ, मैं गुलाम हैदर के साथ हूँ, एक नया इंसान है वो, एक हम उससे मैं कहता हूँ नया है उसके साथ। सुनो भारत के लोग सुनो, लोग कहते हैं कई चैनल वाले कहते हैं सूर्य वर्मा भोगता है, हाँ मैं भोगता हूँ भाई, अब भी भोग रहा हूँ, गुलाम हैदर के बच्चे दिलवा के रहूंगा, मोहम्मद मलिक जी बकायदा इस मामले को उठा के रखे हुआ है, हम देख रहे हैं, मोहम्मद मलिक जी देख रहे हैं, हमारा कानून देख रहा है, हमारा भारत देखेगा, पूरा इस हमारा संविधान देखेगा और भारत सरकार देखेगी कि ये एक गलत तरीके से 4 बच्चों की माँ लेके, 4 बच्चों की माँ को लेके हमारे भारत में रखा है, और हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अरे जब पाकिस्तान की हमने बात नहीं की है, हमने एक इंसान लेते हैं, एक इंसान की बात करते हैं जो एक पिता है, वो तो अगर पाकिस्तान में होता, अमरीका का होता, पूरी दुनिया में कहीं का होता, जब भी सूर्य आवाज उठाता ऐसी महिला के लिए, और उठाता हूँ और बात को सुना, भारत के लोगों ने सुना, ये वीडियो कोई कमजोर वीडियो नहीं है मैडम, मैं दिल की बात करता हूँ, मेरी बात को मेरी माता और बहनों ने भारत की सबने समझा है कि ये गलत महिला है, जब जुड़ी थी तो इसके सब्सक्राइबर बढ़े और कोई भी, आज उन महिलाओं ने इसको दरनिकार किया है जी। ये बात सूर्य वर्मा की बात को सुनकर किया है कि भाई हमारा सूर्य वर्मा भाई सही कहता है, सबके लिए सही कहता है और गलत रास्ते पे, मैं कहता हूँ ठीक है प्यार होता, प्यार को कहा नहीं होता, सबको होता, सबको होता है, कॉलेज लाइफ होती है, सबको प्यार है, शादी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसे हादसे भी आए हैं भारत के अंदर, सुनो कहीं ना कहीं किसको कैसे कैसे प्यार हो जाता है, लेकिन ऐसी क्या प्यार जो पाकिस्तान की महिला है 4 बच्चों को लेके और उसका पति जिंदा, उसका घर बेच दिया, अपना परिवार को दुख दर्द दे के आई, अपने वतन को दुख दर्द दे के आई और भारत में घुसी और कैसे आई, कैसे आई, और मैं कितने भोगू, वो कहते भोग, अरे कह नहीं रहा, सत्य बता रहा हूँ, समझो, अगर समझोगे तो ये मामला सुलझेगा, अगर वो समझोगे तो ये मामला सुलझेगा, नहीं तो नहीं सुलझेगा। मैं उन बहन बेटियों को रोकना चाहता हूँ जो इससे जुड़ी है, गलत तरीकों से उनको डांस सिखा रही है, क्या कर रही है, क्या क्या पल्लू दिखा रही है, क्या 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 चाहिए, क्या हमारी माता बहन हमारे पूरी दुनिया में, क्या हमारी माता बहन सुंदर नहीं है, उसको देखती है, उसने मेकअप ऐसा किया है, तुम्हें उससे क्या मेकअप से लेना, छोड़ो उसकी बात, आप उसको जितना दिखाते हो सीमा देखो उसको उतनी उसकी टीआरपी बढ़ती है, नाम ही ना लो, बच्चों की बात करो सिर्फ, उसको कैसे जेल होनी है, कैसे इस देश से निकाला जाएगा, कैसे उसकी बात को रखा जाएगा, हमने ये बात करनी है बस। और मैं कहूंगा गुलाम जल्द से जल्द भारत सूर्य वर्मा तुम्हारे साथ है और किसी को हम छोड़ने वाले नहीं, हमारा संविधान ऐसा है, हमारा कानून ऐसा है, मोहम्मद मलिक ने बताया मैं बहुत ही सराहनीय कार्य कदम किया है उठाया कि बच्चों की बात की है और गुलाम हैदर का पक्ष रखा और सूर्य वर्मा ने रखा हमारी भारत की, मैं कहता हूँ हमारे यूट्यूबर में वैसे बहुत सारे लोग माता बहनें जुड़ी हैं और आवाज उठा रही है, मैं उन माता बहनों को भी कहूंगा ऐसे ही आवाज उठाओ और एक दिन सबकी सच्चाई होगी, जीत की सच्चाई होगी, सच की सच्चाई होगी, गुलाम हैदर मैं कहता हूँ भारत।